मैं केवल एक बात बोलूंगा, तुम बुलडोजर चलाओ, तुम मकानों को तोड़ो, तुम मंदिर मस्जिद के खेल में आगे बढ़ो, बराबर हम तोड़े हुए मकानों को जोड़ेंगे। तुम जितने मकान तोड़ोगे हम उतने मकानों को निर्माण करेंगे फिर से। तुम गरीबों को मजलूमों को सड़क पे लाके खड़े करोगे, हम उनके घर तक रसद, हम उनके घर तक राशन, हर चीज पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। तुम मकान तोड़ सकते हो हमारे हौसले को नहीं, नहीं तोड़ सकते तुम हमारे हौसले को। तुम्हें जो करना है करो, ये मुल्क एक होके रहेगा। मैं रेबल सदानंद पति, आज ये वीडियो डेडिकेटेड है तमाम भारतीयों के लिए। कहीं से अजान, कहीं से झटका, अब इन बातों के लिए कोई समय नहीं है, नहीं है समय। अब इन बातों के लिए समय है कि जो लोग जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके बच्चे आज सड़क पे हैं, उनके लिए कौन खड़ा है? तो उनके लिए रेबल खड़ा है, रेबल है, और रेबल के साथ आप लोग भी हैं। और अगर आप लोग हैं, इस सेशन को आइए और जोड़िए और अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि मैं उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा जिनके मकान सरकार ने तोड़ दिए। मैं उन लोगों को तनहा नहीं छोड़ूंगा जिनके बच्चे, जिनके बुजुर्ग आज सड़क में चादर बिछा के सो रहे हैं। मैं उन बच्चों का साथ नहीं छोड़ूंगा जो आज भूखे बिलबिला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं रेबल सदानंद पति एमपी के खरगोन, राजस्थान के करौली और दिल्ली के जहांगीरपुरी, इनके तमाम जो लोग विक्टिम है, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं जैन जी के साथ खड़ा हूँ, मैं गुप्ता जी के साथ खड़ा हूँ, जैन जिनकी जहांगीरपुरी में दुकान तोड़ दिया गया, गुप्ता जी की जूस की दुकान तोड़ दी गई। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आइए, अगर आप लोगों ने अपना खाना खा लिया तो प्लीज इस सेशन पे आइए। इस मुल्क में एक इम्तिहान का दौर चल रहा है, तो मैं रेबल फाउंडेशन से आप सबको वादा करता हूँ कि अगले 5 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के खरगोन, राजस्थान की करौली और दिल्ली के जहांगीरपुरी के लोगों का मैं देखभाल कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ। इसमें आप लोग मेरे साथ है या नहीं है ये मुझे बताइए। लेकिन मेरे जिन मुसलमान भाइयों ने, जिनको ईद है और जिनके घर तोड़े गए और जिनको मजलूम बनाया गया, जिनको सड़कों में लाया गया, और गुप्ता जी जिनके जूस की दुकान को तोड़ा गया, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के मदद के लिए तैयार हूँ। मैं एवरी डे आपके साथ हूँ, और अब हमारा भी भंडारा चलेगा, भंडारा चलेगा रेबल फाउंडेशन का। आप उनके घर तोड़ो, हम ईंट लाएंगे। आप बुलडोजर चलाओ, हम उनको जोड़ेंगे। आप उनपे जुल्म करो, हम उनके घाव भरेंगे। हम उनको अकेले नहीं छोड़ेंगे, कसम से। फिर चाहे तुम मेरा मकान तोड़ दो, मुझे गम नहीं, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन मैं ये नफरत की लड़ाई अब बंद करके रखूंगा। मैंने ठान लिया, मेरे फाउंडेशन के लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ मीटिंग की, उन्होंने एक बात बोला, रेबल एमपी के खरगोन में जिन बच्चों को आज यतीम बना दिया गया, जिनको घर से बाहर कर दिया गया, जिनको बेघर कर दिया गया, वो भूखे सो रहे, आप कब चलेंगे? मैंने बोला उनको 3 दिन का टाइम दो, एक ट्रक में सामान भर के उनके लिए राशन, उनके लिए औषधि, उनके लिए टेंट सब लेके जा रहा हूं मैं। जिसको रोकना है वो रोक के दिखा दे, चैलेंज है ओपनली। जिसके अंदर दम है वो रेबल को रोक के दिखा दे, मेरे फाउंडेशन के लोगों को रोक के दिखा दे। ओपनली चैलेंज कर रहा हूं। पहली बार जहांगीरपुरी में जिन लोगों को आज मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे, गुल्लक में से सिक्के ढूंढ रहे थे, पॉलिथिन चुन रहे थे, एक बात बताओ दोस्तों, हमने ये सरकार इसलिए चुना था? इसलिए चुना था हम लोगों ने कि हम अपने ही सरकार के द्वारा अपने मकान से बाहर कर दिए जाएं? गलत प्रोपेगेंडा के लिए ये नहीं चलेगा। जितने भी लोग मेरे साथ हैं, एक बात बताइए, आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है? आपका समर्थन चाहिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। रेबल फाउंडेशन के लोग, मैं रेबल सदानंद पति, अभी 1300 लोग लाइव है, और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव है। ये पहली बात, ये मुल्क की बात है, हिफाजत की बात है, ये भारतीयता की बात है। आप भारतीय लोगों का मकान तोड़ेंगे, हम उनका मकान बनाएंगे। आप उन पे जुल्म करेंगे, हम उनके मुकदमे लड़ेंगे, हम उनको वकील देंगे, हम उनकी जमानत देंगे, हम उनको मेन स्ट्रीम जिंदगी में लेके आएंगे।
और गोदी मीडिया के तमाम चैनल, तुम बिकाऊ चैनल तुम देखते रहोगे। एक आम आदमी की पावर क्या है, बराबर? तुम्हें असली भारतीय की औकात और असली भारतीयों की ताकत दिखाएंगे मेरे भाई, बराबर? जो मर्जी वो करोगे है? तुम लोगों को घर तोड़ के, एक आदमी ने पत्थर फेंका, तुम उसका घर तोड़ दोगे, उसकी माताएं बहनें उनकी छोटी छोटी बच्चियों को सड़क पे लाओगे। तुम गुप्ता जी की दुकान तोड़ रहे हो, तुम जैन साहब की जूस की दुकान तोड़ रहे हो, और तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूं। अरे हम लोग हैं इतने मुकदमे के बाद, इतने विरोध के बाद, बराबर? और एक बार मैं तुम्हें वादा करता हूं मेरे भाइयों, इस लड़ाई में हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। आज कोई पार्टी की बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए केजरीवाल, मुझे नहीं चाहिए राहुल गांधी, और ना ही मुझे मोदी जी की जरूरत, मुझे तुम लोगों की जरूरत है, मुझे आप लोगों की जरूरत है, मुझे मेरी वीरांगनाओं के आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे मेरे बहनों की प्यार की जरूरत है, मुझे मेरे छोटे भाइयों की सहयोग की जरूरत है। जिनके मकान टूटे हैं, बोलो उनका मकान बनाओगे कि नहीं? बोलो, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये एक ऐसे अहंकारी पार्टी के ऊपर बात है जो मर्जी वो कर रही है। अब ये जुल्म नहीं सहेंगे हम लोग नहीं सहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं MP खरगोन आ रहा हूँ अगले 5 दिन में, और मैं करौली भी आ रहा हूँ। और एक बात बताऊं, जिन जिन लोगों के मकान तोड़े गए और वो जो मंदिर तोड़ा गया, उस मंदिर की नींव भी भरूंगा। आ रहा हूँ। जिसको रोकना है रोक के दिखा दे, गहलोत को रोकना है गहलोत रोक के दिखा दे, राजस्थान के CM को चैलेंज है। ये जो मंदिर आपने तोड़ा है ना मेरे भाई, वो मंदिर भी हम बनाएंगे और बना के दिखाएंगे। और जिनको MP के खरगोन में छोटे छोटे बच्चों को अपने घर से बेघर किया, हम उनकी लड़ाई को रोकेंगे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, जिनके ऊपर जन्म हुआ है, जिनके ऊपर ज्यादती हुई है, जिन हिंदू और मुसलमान भाइयों के साथ गलत मुकदमे दर्ज हुए, मैं रेबल आप लोगों के साथ हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ हैं मेरे भाई? क्या आप लोगों का साथ मिलेगा मुझे? आप बताइए, क्या टूटे हुए घरों को बनाने के लिए आप मेरा साथ देंगे? मेरे भाइयों, आज आप लोगों को गर्व से एक बात बोलता हूँ, ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन एक संस्था है, एक ट्रस्ट है, इन्होंने आज मेरे रिक्वेस्ट को मान लिया। मैंने उनका हाथ जोड़ के विनती की, ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के मिस्टर पूर्णानंद पांडा, मिस्टर खादिम, मैंने इन सबको रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज, जिनके मकान तोड़े गए, मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके मकान को बनाएं, आप लोग उन गरीबों का साथ दें। हम भंडारा करेंगे पूरे 6 महीने तक, जब तक उनके मकान बनाना दिए जाए। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के जो लोग हैं, वो कल से हमारे साथ आ रहे हैं। दोस्तों, मैं गर्व से कहता हूं, ये लोकतंत्र की जीत है, ये आप लोगों की जीत है, ये स्वतंत्र पत्रकारिता की जीत है, ये मां भारती की जीत है, ये भारत की जीत है, हर साधारण भारतीय की जीत है, हर उस भारतीय की जीत है जिसके साथ अत्याचार हुआ। दोस्तों, बोलिए आप लोग साथ देंगे कि नहीं? दोस्तों, उन गरीबों को मकान बनाने में, उन गरीब मजलूमों के घरों तक राशन पहुंचाने की और कपड़े पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं रेबल सदानंद पति ले चुका हूं। और आपको पता है, अगर रेबल ने कोई बात उठाई, चाहे पतंजलि हो चाहे कुछ भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं कल प्रकारेश्वर मंदिर जा रहा हूं, मैं भोले का भक्त हूं, वहीं से मैं अपने यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। देश के तमाम मेरे जितने भाई बहन है, मेरी माताएं, मेरे फॉलोअर नहीं, मेरे परिवार, आप लोगों से आग्रह है कि कल रेबल फाउंडेशन के साथ, ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, पूरे देश में जहां जहां बुलडोजर चल रहे हैं, वहां वो लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं। आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है, आप लोगों के सहायता की जरूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, इस सरकार को टक्कर देने की जरूरत है। और हम देंगे, महादेव की सौगंध हम देंगे, और हम कामयाब होंगे। दोस्तों, हम कामयाब होंगे। ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और MP के खरगोन के उस परिवार को बोल दीजिएगा, वो जो बूढ़ी माए जो रो रही थी, उनको बोल दीजिएगा उनका बेटा रेबल 5 दिन में आ रहा है। जिसको रोकना है रोक के दिखा दे, ओपन चैलेंज है, कौन सा जेल बना है वो बता देना, फेस हम कर लेंगे, बराबर? लेकिन मैं अपने माताओं बहनों को अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं रेबल हूं,
मैंने ये यात्रा आप लोगों के साथ शुरू की थी और मरने तक मैं इस यात्रा में आपके साथ हूँ। आपके हौसले की जरूरत है, आपके दुआओं की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। रेबल फाउंडेशन का धन्यवाद, जिन्होंने जिन गरीब के मकानों पे बुलडोजर चलाए उनके सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाने के लिए आज अपनी स्वीकृति दे दिए। यस वी आर प्राउड दैट रेबल फाउंडेशन विद अस विद ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के लोग आज हमारे साथ आ चुके हैं। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? दोस्तों ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जिनके भी घर टूटे हम उनके लिए जा रहे हैं। जो जैन जी का जूस का दुकान टूटा है, जो गुप्ता जी की दुकान टूटा है, राजस्थान में जो मंदिर टूटा है उसका भी फिर से मेहनत करेंगे। आप लोग साथ देंगे कि नहीं? दोस्तों जय संविधान, जय भारत, मां भारती की जय, आप सबके सहायता की जय, आप सबके हौसले को नमन। सलाम है आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों का इंतजार करूंगा। और एक बात, हर हर महादेव। कल मैं प्रकाशेश्वर मंदिर में जा रहा हूँ, वहीं से अपनी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।